अल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको पांच वक्त का नमाज़ी बना दे, कुरान पाक पढ़ने वाला और या रज़ा को कहने वाला बना दे। आज जो मैं आपके साथ अमल शेयर करने जा रही हूँ बहुत नायाब है। ये एक ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं, बेमिसाल अमल है। आपने क्या करना है कि सिर्फ चीनी और थोड़े से तिल। देखिए, अगर 10 रुपए की चीनी है तो 5 रुपए के तिल ले लें, कोई से भी तिल और चीनी ले लो। या फिर अगर चीनी भी नहीं ले सकते या तिल नहीं ले सकते तो आप सिर्फ चीनी ले लो, ठीक है। लेकिन घर से ना लो, नियत खास रिस्क को बढ़ाने के लिए चीनी लो। तो जितनी भी आपको तौफीक हो, यकीन माने जितने आपके अंदर जेब के अंदर पैसे हैं अपनी तौफीक के मुताबिक चीनी लो। चीनी के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 308 मरतबा पढ़ना है, या रसा को या रसा को या रसा को। दुरूशी पहले पढ़ें तो 11 मरतबा या 3 मरतबा या 1 मरतबा अव्वल आके पढ़ें, और बीच में 308 मरतबा पढ़ के पाक साफ वजू करके जाए नमाज से बढ़ के सिर्फ वो चीनी जो उनसी है ना आप रख दें किसी जगह वीराने में जहां पर हशरात यानी चूटियां, खासकर चूटियां खाना। अल्लाह अकबर, यकीन माने कि चूटियां जैसे जैसे वो अपनी चीनी खाती जाएंगी, यकीन माने अब जाकर हफ्ते बाद जाकर वहां पे देखें चीनी है, बारिश ना हो वहां पर, बारिश ना हो ऐसी जगह चीनी जाएगी जहां पे बारिश से चूटियां हो, तो आप देखें कितना आपका रिस्क बढ़ता है। आप एक बार करके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा अमल है। तो चूटी चीनी आपकी उठाकर ले जाएंगी, लेकिन इतनी दुआएं देंगी कि वो दुआ में से एक दुआ आपको लग जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक दफा का ये अमल करके देखिएगा इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह के हुक्म से, वफ़ज़ले अल्लाह के हुक्म से रिस्क बढ़ गया तो गरीबों को कभी ना भूलना, चूटियों को कभी ना भूलना। जब दिल में आए, मन में समाए, चूटियों के मतलब के घरों में जाके उनको खाना दो। ये मांस, ये जिस्म का हिस्सा किसी ने नहीं खाना, यकीन माने। क्या ये चूटियां, आजकल इतने जालिम लोग हैं, घरों में चूटियां आ जाती हैं, उनको मारते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, कोई ना कोई टोटका करते रहते हैं। चूटी क्या करते हो अल्लाह के बंदो, इन जिस तरह हम इनको मारे ये भी आखिरत में हमें खाएंगी ना। जब हम मरते हैं कौन खाता है? कहते हैं कि मांस चूटियों ने खाना, कीड़ों ने खाना, इतना मान ना करो। क्या कहंदी कब्र गाफला वे, दुनिया कड़ी भी कड़ी, जाया उम्र ना गवावी, मौत सिर ते खड़ी। एक दिन होना तेरा मेरा मेला, होना तेरा मेरा वेला, तू भी मेरे विच आना, कदी एना मान ना करी। कहंदी कब्र गाफला वे, दुनिया कड़ी भी कड़ी, सराना इट दा होना, पत्थर का होना, कफन मट्टी का बनना, मांस कीड़िया ने खाना, एडा मान ना करी। कहंदी कब्र गाफला वे, दुनिया कड़ी दी कड़ी। तो इसमें पूरी खलकत छुपी है, इसमें इंसान का पैदा होने से लेकर एंड तक एक ऐसा अंजाम छुपा है। बस समझने की देर है, और समझ जाए देर ना हो जाए। ये छोटा सा पंजाबी का एक कलाम में रब्बी है, या दिल को उजागर करने के लिए किसी ने बहुत प्यारी बातें की हैं, तो मैं उनको नहीं जानती कि लिखा किसने है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आज आपको भी सुनाऊं। मैं अक्सर दफा जब अपने मदरसे में बयान करती हूँ तो उनमें इस चीज को जरूर बताती हूँ। कब्र के बारे में जिक्र किया जाता है, फिर खुशियों के हसूल के बारे में जिक्र के। आप इसी तरह घेरा बना लें, अपने आसपास घेरे बनाएं जहां पे अल्लाह के जिक्र हो। तो इजाजत दें, बहुत प्यारा अमल है, कीजिएगा, चूटियों को ना भूलिएगा। अल्लाह